A very good morning to my dear students of class 10. I am Paro ma'am, your English teacher from Paradise Convent School. As we all know that due to increases of COVID-19 pandemic, we are unable to taking our school or offline classes. So the reason we have to take our online classes again. And maybe I think you have lost your some of days in the past days. So for that, I am extremely sorry. But I can assure you, whatever the time you have dispersed or lost, it is the responsibility of mine that I will completely fulfill you all the syllabus and all the subject related chapters. So I request to you all, for both and girls, that please concern in online classes. स्पेशली फॉर बॉयज़ मैं उन लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो कि ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, प्लीज़ बी एक्टिव इन द ऑनलाइन क्लासेस. अगर आप इस ऑनलाइन क्लासेस के जो भी एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स जाएंगे उसको थोड़े से भी मन से सुनते हैं, दैट विल बी ऑटोमेटिक बेनिफिशियल फॉर यू. आप लोग अच्छे से नंबर ऑनलाइन की पढ़ाई के ऊपर भी ले सकते हैं. एंड रदर जहाँ पर लीड स्कूल की बात है, लीड इज अवर सप्लीमेंटरी गाइड ना, वो हमारा सपोर्टिव गाइडनेस के तौर पे हमें मदद कर रहे हैं. सो लीड इज आल्सो भी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज आवर ऑन एनसीईआरटी क्लासेस. तो लीड का पढ़ाई और हमारा पढ़ाई मान के चला, अगर जो दोनों को ही लेके चलेगा, ऑब्वियसली ही और शी विल गेट अ गुड परफॉर्मेंस. बट एनसीईआरटी is too much necessary to clear your doubts and queries. तो एनसीईआरटी को हम लोग अपने साथ में लेंगे और हम लोग एनसीईआरटी को दौड़ाने पड़ेंगे. वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो सब आप लोग को फ्रॉम कंप्लीट करना है अपने होम से. एंड द मेन थिंग इज़ दैट जो ग्रुप है आप लोगों का, बॉयज़ का और गर्ल्स का जो भी ग्रुप है, यू पीपल कैन सी दैट ओनली उसमें हम टीचर्स से अपना ऑडियो और वीडियो भेज पाएंगे, आप लोग उसमें कुछ सेंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उसमें होमवर्क आपको जो भी मिलेगा, वॉट एवर होमवर्क यू विल गेट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव टू सेंड इट ऑन योर सब्जेक्ट टीचर पर्सनल नंबर. वी विल प्रोवाइड यू ऑल द सब्जेक्ट टीचर प्राइवेट नंबर, पर्सनल नंबर, एंड आपको जो भी होमवर्क मिलेगा आपको सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर वो होमवर्क सेंड करना है. ठीक है, मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम पढ़ाई भेजेंगे उसमें से उससे पढ़ना है और होमवर्क टीचर के पर्सनल नंबर पर सेंड करना है. मेक इट क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10 फ्रॉम टूडे. वी आर एज वी ऑल नो एज As like as previous year, in this year also we get the two types of English book, one for reader, that name is First Flight, and one for supplementary book, that name is Footprints Without Feet. दो book पिछले साल की तरह ही हैं, एक है English First Flight book और एक है आपका Footprints Without Feet. So today we are starting from First Flight book, chapter number 1, A Letter to God. Maybe some of the students have already read these chapters, फिर भी हम लोग पहले से शुरुआत कर रहे हैं. जिन्होंने पढ़ लिए हो उनके लिए भी और भी अच्छा होगा, क्लियरिटी हो जाएगा और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. और जो नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ कंसर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट अ लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 1. बिफोर यू रीड अ लेटर टू गॉड रिटन बाय J.L. Fuentes. बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस आई नीड टू क्लियर यू दैट इन द क्लास 10th लेवल every author, every poet name you have to be learn very cautiously. हर एक chapter का, चाहे वो prose हो चाहे वो poetry हो, हर एक chapter की author और narrator और poet का नाम आप लोगों को पानी जैसा learn हो जाना चाहिए, इसमें कोई doubts रहेगा ही नहीं. okay, क्योंकि कभी कभार author related question भी आ जाता है, so ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. so before you read, they say faith can move mountain, but what should we put our faith in? विश्वास एक ऐसा चीज़ होता है जो हमें खराबी में भी उतरता है, अच्छाई के भी ऊंचाई तक करते हैं. विश्वास करके लोग ठगते भी हैं, विश्वास करके लोग तरक्की भी करते हैं. तो बेसिकली दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फेथ. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोसेस, यही कारण है विश्वास से ही जुड़ा है ये कहानी. लेंचो इज़ अ फार्मर, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज लेंचो, जो कि एक किसान है. हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को चिट्ठी लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, जबकि उसका सारा फसल खराब हो चुका होता है. आस्किंग फॉर ए 100 पेसोस, और क्या बोलता है कि भगवान को चिट्ठी लिख के बोलता है, मुझे पेसोस मतलब पैसा है फ्रांस का,
ठीक है, तो जिसको रुपए बोला जाता है, जैसे हमारे इधर रुपीज़ है वहाँ पे पेसोज़ है, तो ये 100 पेसोज़ डिमांड करता है भगवान से कि उसका फसल ख़राब हो गया, भगवान आप मुझे दिलवा दो। डास लिंचो लेटर रिच गॉड, क्या लिंचो का वो चिट्ठी भगवान तक पहुँचता है? डास गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान पैसा लिंचो को वापस सच में भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। तो पढ़ने से पहले ये सारे सवाल जवाब अपने आप तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 3। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वैली जानते हो ना, वैली होता है दो तरफ पहाड़, ऊंचा ऊंचा पहाड़ और बीच में जो थोड़ा सा नली जाता है, माने नाला टाइप का जाता है, लेक टाइप का, उसको वैली बोला जाता है, और पहाड़ों के ऊपर घर बनते हैं। तो ऐसे ही क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, मतलब क्रेस्ट मतलब पहाड़ का ऊंचा कॉर्नर, वहीं पर फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। जो ऐसे एक नज़ारा, मतलब दो तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़, पहाड़ की ऊंचे किनारे से क्या दिखा देगा, चारों ओर खेत दिखाई देगा, जो खेत पके फसल से हार्वेस्टिंग हुआ है, बुना गया है, बोया गया है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ उससे उस जगह से देखने से सब एक ही उम्मीद मन में जगता है कि पहाड़ी एरिया में ना बारिश कम होता है, तो अगर दो चार पलश मैंने बारिश के बूंदे गिर जाते तो बहुत ही अच्छा होता, बाकी चारों ओर नज़ारा बहुत ही सुंदर रहता है। Throughout the morning, Lencho, ऐसा ही एक दिन सुबह Lencho, who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east. ऐसा ही लेंचो भी एक दिन सुबह नॉर्थ ईस्ट आसमान के उत्तर पूर्व दिशा को देख रहा था अच्छे से घूर के, कि थोड़ा बहुत अगर बादलों का संभावना है बारिश का, तो ये वो देख रहा था, छान रहा था। Now we are really going to get some water, woman. और वो बोला, woman मतलब अपने पत्नी को बोला कि अब हमें सच में दो चार बूंदे बारिश की ज़रूरत है, फसल को देखते हुए ऐसा लग रहा है। फसल जब एकदम अच्छे मोमेंट में आ जाता है, अगर दो चार बूंदे बारिश गिरती है तो वो कटने के लिए अच्छा होता है, तो वो भी बोला लेंचो। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। और वो वुमन क्या कर रही थी, मैं उनकी पत्नी उस टाइम क्या कर रही थी, प्रिपेयर सपर, सपरिंग सपर मतलब डिनर, रात के खाने को डिनर या फिर सपर बोला जाता है। उस टाइम उनकी पत्नी रात का खाना बना रही थी और उनको जवाब दिया, हाँ भगवान चाहे तो होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उनका दो लड़का है, बड़ा लड़का फील्ड में काम कर रहा है वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटा घर के आंगन के सामने खेल रहा है। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक मम्मी बुलाती नहीं है खाना रात का खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब खाना खाने के समय, दैट जस्ट एज जैसे वो लोग खाना खाने बैठे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो लेंचो ने अनुमान किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, लेंचो ने देखा कि बड़े बड़े बूंदे बारिश की गिर रही है एकदम बड़ा बड़ा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वही उत्तर पूर्व की दिशा में देखा गया रात के आसमान में कि उत्तर पूर्व दिशा के आसमान में घने बादल छा रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत फ्रेश बह रहा था, बादल से पहले होता है ना, बहुत तेज हवा देता है, एंड स्वीट, मीठा मीठा लग रहा था वो हवा। द मैन वेंट आउट ऑफ वेंट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, तुरंत वो लोग बाहर चले गए बारिश का मजा लेने, अपने शरीर के ऊपर बारिश के बूंदे को महसूस करने बाहर निकले। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड रिएक्शन, और जब वे वापस आए तो बोले, दिस आर नॉट रेनड्रॉप, ये रेनड्रॉप नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द, ये रेनड्रॉप आसमान से नहीं गिर रहा है, दे आर न्यू कॉइन, ये तो पैसा गिर रहा है, कॉइन गिर रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़ा बड़ा बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस है। 10 सेंट मतलब होता है, जैसे हमारे इधर इंडिया में करेंसी को रुपीस और पैसे से तोला जाता है, वैसे फ्रांस अमेरिकन माने विदेशों में पैसे को पेसो, रुपए को पेसोस और पैसे को सेंट में बोला जाता है, मतलब ये तो 10 सेंट पीसेस है, ऐसे बड़े बड़े बूंदे जो है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे बूंदे 5 सेंट के जैसे हैं, मतलब वो इतना इमेजिन किया था क्योंकि उसका हरा भरा फसल है खेतों में, अब थोड़ा बूंदे गिर रहा है तो मन में खुशी है, तो वो खुशी में से लग रहा है कि शायद आसमान से पैसा ही गिर रहा हो, बूंदे नहीं गिर रहे हो। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया कि चलो अब मेरा जो कॉर्न है, मकाई का जो मैंने खेत किया हूँ, वो पका तो हुआ है, अब अच्छे से और भी पक जाएगा। ड्रैप इन ए कर्टन ऑफ रेन, थोड़ा बहुत बारिश के बूंदे से, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू
फॉल। लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज तेज हवा बहना शुरू हुआ और बहुत तेज बारिश जो कि हेलस्टॉर्म मतलब ओला बारिश होने के भी होना भी शुरू हो गया। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। और अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जब बारिश इकट्ठे पड़ते थे जैसे कि चांदी का जैसे लगते हैं ना आसमान से जैसे चांदी गिर रहा हो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद गिर रहा है हेलस्टॉर्म ओला बारिश गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोज इन डेंसर टू द रन। उनके लड़के भी लेंचों के लड़के भी बाहर बारिश में चले गए रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और वही ओला बारिश का जो टुकड़ा गिर रहा है ओला कलेक्ट करने के लिए बाहर निकले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। अब लेंचो बोला नहीं नहीं ये तो अब बहुत बुरा हो रहा है, ये तो बहुत तेज हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ठंड हो जाए रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन ये तुरंत थमा नहीं। For an hour, the half rain, hell rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लगातार एक घंटा इतना हेलस्टोन हुआ ओला बारिश हुआ घर से लेके आंगन आंगन खेत खमार हिलसाइड सब कुछ पानी उसमें भर गया। The field was white, पूरे के पूरा खेत सफ़ेद लग रहा है। The cornfield as if covered with salt, जैसे ऐसा लग रहा है कि नमक का चादर पड़ गया है। सफ़ेद होता है ना जैसे बर्फ़ जब गिरता है जैसे पूरा पर्वतों के ऊपर जब बर्फ़ गिरता है तो सादा सादा जैसा है। इतना हेलस्टोन हुआ कि खेत भी ऐसा ही लग रहा है कि नमक कोई ढाल दिया होगा। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द स्ट्री, पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरा मकई का जितना भी कल्टिवेशन हुआ था सब खराब हो चुका। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल आए थे मकई में जिससे फल हो सकते थे वो फूल सारे गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का दिल पूरा दुख से भर गया उदासी से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जबकि तूफान बंद हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों को बोलता है, ए प्लाग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब इससे तो अच्छा जो फसलों को कीड़ा खाते हैं ना वो भी थोड़ा बहुत फसल छोड़ के जाते हैं लेकिन ये तो उनसे भी बदतर हो गया, कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये ओला बारिश सब तबाही कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मकाई नहीं है। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बहुत भयंकर बीता था बहुत दुखी बीता था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारे पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचा है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा और कोई नहीं है जो अभी हमें मदद करे। वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमको भूखा मरना पड़ेगा। So this students, this is the first part of the letter to God. After you can see the four question on the behalf of it. First is what did Lencho hope for? Lencho ne kya umid kiya tha? To Lencho ne kya umid kiya tha? Lencho ne barish ki umid ki thi for shower of downpours, two or three drops. Na aisa umid kiya tha. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, क्यों लेंचो ने कहा जो न्यू रेनड्रॉप है न्यू कॉइन, क्योंकि पहले उनके लिए वही लग रहा था कि बारिश का उम्मीद करें कि दो चार बूंद जब बड़े बड़े गिन रहे थे तो वो उनके लिए उनके फसल अच्छे होंगे, उनके फसल में फूल आया था फूल से फल होता इसके लिए उनके लिए पहले बारिश अच्छा लगा था इसलिए उनको न्यू कॉइन बोला था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे रेन अचानक हेलस्टॉर्म में परिवर्तन हो गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस के फील्ड के साथ क्या हुआ, सब तबाही हो गया उनके सारे मकाई का दाना खराब हो गया। एंड नंबर फोर क्वेश्चन इज, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेलस्टॉर्म, जब लेंचो का जब बारिश बंद हो गया तब लेंचो को कैसा महसूस हुआ था, वही जो बोला अब हमारे लिए कोई काम नहीं है हमें कोई हेल्प नहीं करेगा हम इस साल भूखा मरेंगे। तो दीज आर द फोर क्वेश्चन, यू पीपल राइट इन योर नोटबुक एंड सेंड इट माई व्हाट्सएप नंबर, आप सभी को ये चार क्वेश्चन का आंसर अपने से बना के लिखना है और हमें आंसर भेजना है हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सो स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आई विल कम ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो। टूडेज होमवर्क फॉर यू, राइट डाउन दिस फोर क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड सेंड इट इन माई व्हाट्सएप नंबर। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।